हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स फॉर एडिंग फ्रैक्शंस लेकर आई हूँ। सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए ट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, बिकॉज एक में सारे डालने से काफ़ी वीडियो लेंदी हो जाएगा। और हाँ, आप इन ट्रिक्स को ऑलवेज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही यूज करना, क्योंकि अगर आप लेंदी क्वेश्चंस यानी कि जो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आते हैं ना, उनमें यूज करते हो तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान में रखना कि मैथ्स ट्रिक्स ऑलवेज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यूज करने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। फ्रैक्शंस हमेशा पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पी हमारा न्यूमरेटर होता है एंड क्यू फॉर डिनोमिनेटर। तो अब हम एडिशन की ओर बढ़ते हैं। पहले हम यूनिट फ्रैक्शन को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1/4 प्लस 1/3, ठीक है। इसमें हम पहले 4+3 करेंगे, तो 4+3=7 हमारा न्यूमरेटर बन गया। अब फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो 4 × 3=12। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, 1/9 प्लस 1/11। यहाँ भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, 9+11=20 न्यूमरेटर हो गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 99 आ गया। तो देखा बच्चों, कितना इजी मेथड है। चलो आपको कुछ सम्स देती हूँ, आप इसे खुद से सॉल्व करना। 1/3 प्लस 1/7=2, सेकेंड 1/4 प्लस 1/9=1। इसे आप खुद से सॉल्व करना। चलो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3/7 प्लस 5/2। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये तो हमारा यूनिट का था, अब इसमें हम करेंगे एस क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, 3/7 प्लस 5/2। तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम वही उसी तरीके से यहाँ करेंगे, 3 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×2=6 हो गया। इसी तरह से 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×5=35। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा, तो 6+35=, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 41। अब हम इन दोनों को 7 और 2 को मल्टीप्लाई करके डिनो निकाल लेंगे, तो 7×2=40। तो देखा आपने कितना इजी है। एक और सम लेते इसी टाइप का, 7/2 प्लस 9/4। इसमें भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 और 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो गया 2×9=18, 7×4=28। अब इन दोनों को 28 को और 18 को हम प्लस कर देंगे तो हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा, तो 28+18 हमारा कितना हो जाएगा, 46। और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो क्या हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा, 4×2=8। अब यहाँ आप देखो, ये आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बन गया, तो हमें क्या आ गया, डिवाइजर यानी कि तो 8 हमारा डिनोमिनेटर है जिसे हम डिवाइजर भी बोलते हैं। 8 से हम 46 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, तो 8×5=40, तो ये 5 हमारा क्वेश्चन हो गया, तो 46 है। जब हम 40 को माइनस करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 6। तो ये आंसर हमारा आ गया। तो देखा बच्चों, कितना ईजी ट्रिक है ये। अब चलिए इससे रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, 2/6 + 3/8। एक और आप ले लो, 6/9 + 3/5। बस इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए कहीं तो आप कमेंट्स के थ्रू जरिए मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, बाय।